हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड व्लॉग ऑफ नॉर्दर्न एरियाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ तो भैया, बाबू से टॉप था बंद और कोई रास्ता जाता नहीं है। एक ही रास्ता, इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेके स्कर्दू चले जाएँ या गिलगित चले जाएँ। गिलगित में एयरपोर्ट है और स्कर्दू में भी एयरपोर्ट है, लेकिन रिस्क है। तो भैया मानसेरा थोड़ा सा मोटर वे था 120 किलोमीटर तक, उसके बाद वही सिंगल रास्ता पहाड़ी वाला स्टार्ट हो जाता है। हम निकले सुबह के टाइम, निकले थे 8-9 बजे तक निकले मानसेरा से, चिलास जाना था हमें। तो हम निकले भाई, सबसे गंदा रास्ता है, सबसे घटिया तरीन रास्ता है। वहाँ पे असल में दासू में डैम बन रहा है, उसकी वजह से एक घंटा पूरा रास्ता सिंगल रोड, पहाड़ी इलाका और बहुत ऊंचाई पे और नीचे खाई जहाँ पे झील चल रही है इतनी ज़्यादा स्पीड में, उस स्पीड से ये लोग डैम से बिजली बनाएंगे। तो इस वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है सारा का सारा, पीछे गाड़ियाँ लंबे सफ़र के बाद कुंवारी हो ही गई, और ये रोड है ही कुंवारी, पता नहीं कब खुले। 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, पता नहीं कब खुलेगा, वेट करते हैं और कर ही गा सकते। व्यू कैसा है यार? वहाँ के रोड बड़े ख़तरनाक थे, लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और चाइना अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पता नहीं क्या बना रहे हैं, टनल्स हैं बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं, मोटरवे बना रहे हैं यहाँ पर सुनने में आए, लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं यार, लेकिन पता नहीं क्या बना रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, और ये कब कम्प्लीट होगा इसका भी अंदाज़ा नहीं। अभी हम जा रहे हैं उंजा के लिए, वहीं मिलते हैं आपसे। यार ये एहतजाज चल रहा है कराक्रम हाईवे पे, रोड ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर एहतजाज चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, रोड ब्लॉक हो चुका है कराक्रम हाईवे, सारा ब्लॉक है, पता नहीं कब खुलेगा। गर्मी भी बड़ी है और बड़ी ज़ोर से वॉशरूम भी लगा है। देर से निकले थे, हमने रेस्ट किया वीआईपी, 12-1 बजे तक हुंजा के लिए निकले। हुंजा 2 घंटे का रास्ता है मेरे ख्याल से, 1.5-2 घंटे का। तो हुंजा पहुँचे, हुंजा में करीमाबाद फेमस, उसमें हमने एक रात का स्टे किया। स्टे करने के बाद सुबह को हम निकले नाश्ता करने के लिए द वन एंड ओनली लाल शहजादी रेस्टोरेंट। लाल शहजादी रेस्टोरेंट पवेलियन नाम है उसको, रेस्टोरेंट है, एक ढाबा कह सकते हैं आप लोग। इन्होंने अब हिस्ट्री टाइम मुझे हिस्ट्री इनकी पता नहीं है यार, और जिनसे मैं पूछने वाला था वो उस वक्त वहाँ पर थी नहीं। औरत हैं वो चलाती हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था अपने सिबलिंग्स के साथ मिक्स होकर, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। भाई लाल शहजादी के रेस्टोरेंट में सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, फॉरेनर्स भी आते हैं, इतना फेमस हो चुका है। पहले तो ये इनका रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं चल रहा था, तो उसके बाद इनका बिजनेस चला यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, व्लॉगर्स आते थे। सबसे बड़ी बात टेस्ट, वहाँ का चापशरो बहुत फेमस है, चापशरो यानी लोकल पिज़्ज़ा वहाँ का, हुंजा का चापशरो बहुत फेमस है। और डोडो सुनिए आपने, नूडल्स, पानी वाले नूडल्स होते हैं डोडो,
वो बड़े कमाल के थे यार, मज़ा आ गया कसम से। वो एक बार ज़रूर खाइएगा यार, वो बड़े टेस्टी होते हैं यार। मैंने नहीं खाया था, मेरे भाई ने खाया था। और फ्रेश दूध की चाय मिलती है, कहीं भी उंजा में नहीं मिलेगी आपको। आप आएँ, ये पाकिस्तान में फेमस है लाल शहजादी ढाबे के नाम से। आप आएँ, बलतित फोर्ट के करीब ही है, उस रास्ते में आएंगे आपको दिख जाएगा। मोस्ट वेलकम, बहुत ही लजीज खाना है, पराठे सब कुछ फ्रेश बना हुआ है, ओरिजिनल एकदम। आएँ, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू। चाइना बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं अभी, अभी ब्रेक लगा था चाय का और कुछ फ्राइज़ वगैरह खाने का। ये लोग आ गए, निकलते हैं हम। पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह, बबल्स वगैरह, खुबानी जो होती है यहाँ पर मिलती है, वो ले लीजिएगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो, क्योंकि ऑक्सीजन 50-40% होता है ऊपर। When I look into her eyes, I see paradise. इस वक्त मैं खड़ा हूँ खंजरा पास चाइना गेट, चाइना बॉर्डर पे। यहाँ पर माइनस सेंटीग्रेड है, -6 सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा सर्दी है और स्नोफॉल हो रही है लाइव, देख सकते हो। बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त। चाइना बॉर्डर पे हम आ गए हैं और ये पाकिस्तान का हदूद का आखिरी दर्जा हरारत इस वक्त कम से कम जो है ना -5 पे है, और इस वक्त बड़ी बर्फबारी हो रही है आपके सामने है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई कॉटन फैक्ट्री हो यहाँ पर। वाइट वाइट बस यहाँ पर रात को गिलगित को स्टे किया था। उम्मीद है आपको नॉर्थ का सेकंड व्लॉग पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, न्यू क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, तो हम भी आने वाले न्यू क्रिएटर्स को सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है आपको कल का व्लॉग पसंद आया होगा, मतलब बाबू सर टॉप को चाइना बॉर्डर वाला व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि बना ही कुछ ऐसा था और वहाँ का सीन ही कुछ अच्छा सा क्रिएट हो गया था, माहौल ही कुछ अच्छा सा बन गया था। -6 सेंटीग्रेड सर्दी भाई, बड़ी सर्दी थी, हवा लग रही थी सर्दी लग रही थी, हवा नहीं लग रही थी तो स्नोफॉल हो रही थी तो सर्दी नहीं लग रही थी। तो मैं फ़िलहाल के लिए चलता हूँ, मिलते हैं फिर, मैं जा रहा हूँ इस कर दूँ, वहीं मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।